ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि विनन्ति ये भुविदा जना हमारे जो बंधन का कारण है उसका विश्लेषण हम लोग कर रहे थे। हम लोग अमृत का संतान होते हुए भी निष्कारण अपने को दुखी मानते हैं, अपने को कमजोरी मानते हैं। राज संतान अपने को भिखारी समझकर एक काल्पनिक दुखमय जीवन यापन करते हैं, द ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ। जबकि शास्त्र श्री रामकृष्ण बारंबार हमें अपना आत्ममर्यादा आत्म गरिमा पुनरुद्धार के लिए आह्वान कर रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट है, वास्तव है, हम बिना कोई कारण अपना स्वरूप बोलने पर भी उसमें प्रतिष्ठित होने में असमर्थ है। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हम जानते हैं कि हम शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव, लेकिन हम मानने में असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण हम गई बार चर्चा किया, स्वयं भगवान वही हमें सम्मोहित करके रख दिया। सम्मोहन का कोई व्याख्यान नहीं हो सकता है, मैजिक है, आई मेस्मराइज्ड। जो आनंद ही जिसका जीवन का उद्देश्य है, आनंद ही जिसका जीवन का स्वरूप है, वो चरम निरानंद में है। कारण ये जो सम्मोहन का रचयिता स्वयं ईश्वर है। वो कहते हैं तो ईश्वर कौन मंत्र से हमें सम्मोहित कर दिया, इसके विश्लेषण हम कर रहे थे। श्री रामकृष्ण स्वयं बता रहे हैं, स्वयं भवतारिणी माँ को शिकायत कर रहे हैं कि ये माता आप स्वयं सबके आंखों में एक पर्दा लगा दिया, सबाय चूंकि फिट्टी लगी दी थी, वो अपना दृष्टि से देखने में असमर्थ हो गए। और न केवल पर्दा लगा दिया, पर्दा के चारों ओर चार चार करके आठों बहुत स्क्रू टाइट करके रख दिया ताकि उसको उन्मोचन करके आगे नहीं बढ़ पाएगा। खैर हाथ पैर बांध दिया और आंखों में एक फेटी लगा के आठ स्क्रू में उसको जाम कर दिया। बस तो बराबर हमारे लिए एक सहायक मिल गया, हमारे अज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो पर्दा क्या है, वो स्क्रू क्या है, अगर हम जान लें तब हम उसको धीरे धीरे हटाने का प्रयास कर सकते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गॉड्स कवर्ड। और ये जो आवरण है दैवी कह दिया, अलौकिक है, कहाँ से आया कोई बोल नहीं सकते हैं, है ही नहीं, इसका कोई बेस ही है नहीं।
काल्पनिक है, लेकिन इससे हम सम्मिलित हैं, ये तो फैक्ट है। तो हम कैसे इसको हटाएंगे उसका पहले जानना चाहिए, ये इसका स्वरूप क्या है, ये जो अज्ञान है इसको विस्तार क्या है, इन विच लेवल्स इट ऑपरेट। तो अभी इसको बोला है एट फोल्ड, एट फोल्ड इग्नोरेंस विच इज कवर्ड अवर डिवाइन नेचर। हमारा जो स्वरूप है उसको आवरण करके रख दिया, एट डायमेंशनल कवरिंग। तो पहले जान लो क्या क्या है, इसको कहलाता है पाश। तो ये इस एट फोल्ड कवरेज में सारे जीव बंधा हुआ है, ये भगवान का माया है। लेकिन एक चीज़ लक्षणीय है, यद्यपि ये भगवान का शक्ति है, लेकिन वे इससे इसके ऊर्ध्व में है। ये भी जरूरी है, जो माया का आवरण जो भगवान ने हमारे सामने रखा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया, 740 में बताया, ये दैवी है एवं गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है। कल इसकी चर्चा किया था, लेकिन भगवान ईश्वर इसके अधीन नहीं है, ईश्वर मायाधीश है जबकि हम मायाधीन हैं। ईश्वर और जीव में खाली इतना ही फर्क है, दोनों ही माया के राज्य में बसवास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग माया का सम्मोहन में हम लोग मोहित हो गया, लेकिन ईश्वर मोहित नहीं है। ए मैजिशियन इज नॉट कवर्ड बाय हिज ओन मैजिक, इज अ मैजिशियन। जादूगर है वो अपना माया से, अपना सम्मोहन से अपना नहीं फंसता है, तो सम्मोहन कैसे करेगा, औरों को फंसाता है। तो इसी ईश्वर ये माया का रचयिता होते हुए ये माया मुक्त है। तो कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि ये तो माया का राज्य में है, तो उनको भी इसमें जो शामिल हो जाना चाहिए था। ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, सब समय उदाहरण उपमा, जो उपमा रामकृष्ण से कहलाता है, सब समय उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। बोले देखो, जो सांप होता है, सांप किसी को काटने, विषधर सर्प वेनोमस स्नेक, अगर किसी को काटने से मर जाएगा, लेकिन सांप का विष कहाँ रहता है, आपने स्वयं का मुंह में, जिसका अपने मुंह के भीतर एकदम डेडली पॉइजन है, करीब जो विष है, तो काटने से कोई मर, लेकिन वो खुद नहीं पड़ता है। स्नेक नेवर डाइज आउट ऑफ इज ओन पॉइजन, जबकि उनका विष जहर उनके मुंह के भीतर है, जिसको काटेगा मरेगा, वो तो हर वक्त खाते पीते है दिन भर, उसका तो कभी मृत्यु नहीं होगा। ये समझने के बाद जो हमारे माया का जो कारण है, वो उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट बात, ईश्वर मायाधीश है, हम मायाधीन हैं। तो अभी माया का क्या क्या उनका डायमेंशन है, आठ, वो है लज्जा घृणा भय कूल शील वित्त निंदा जुगुप्सा या शंका, ये आठ प्रकार। हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कैसे हम वहाँ से
मुक्त हो सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो पहला जो बात बताई, मैं इसको पीछे पीछे सब कारण है, ये सब ये हमारा मानसिकता के मानसिकता हेतु। सो फार वी हैव बीन टॉट इन वन वे एंड वी आर सिंपली मेस्मराइज्ड। इसको हटाने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये किससे हम सम्मोहित हुए हैं। सम्मोहन का जड़ है हमारा अहंकार, फॉल्स ईगो। अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अहंकार का मतलब हम अपना स्वरूप भूलकर अपने को दूसरे को समझ लिया। वी हैव मिस आइडेंटिफाइड आवर सेल्व्स। ये उदाहरण से बताया जा रहा है, हमारा जो अपना स्वरूप है वो आत्मा चैतन्य ओनली, सिर्फ आत्मचैतन्य, ये हमारा असली स्वरूप है। लेकिन हमारे सामने जो हमारा स्वरूप उपलब्ध है, जिससे हम काम चलाते हैं, जन्म जन्मांतर का जो संस्कार राशि है, उससे हमारा जो आत्मा स्वरूप वो विस्मरण हो गया। और हम लोग हजारों साल से सोचते हैं मैं इस शरीर हूँ, ये पहला बंधन है। देह आत्मा अभिमान द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट प्राइमरी कॉज ऑफ बॉन्डेज। देहात्माभिमान, तो पहले बताया देहात्माभिमानी बद्धो भवति। तो जो अपने को एक शरीर मानता है वो फंस गया। यद्यपि बारंबार शास्त्र कहते हैं तुम्हें शरीर नहीं हो, तुम शरीर के, तुम शरीर नहीं हो, शरीरी हो, अर्थात शरीर के भीतर रहने वाले जो आत्मा है वो तुम्हारा स्वरूप है। हम देह नहीं है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट रिसाइडिंग विद दिस बॉडी। देह का परिवर्त में आपने कहा देही समझे, विच इज रियलिटी, तब हम ये अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। और दूसरे किस्म का भी बंधन है, बट एक कम से कम ही बंधन से हम मुक्त होने का सही उपाय है कि आपने को शरीर ना समझे। तो शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, ये बारंबार दोहराना कि जो शरीर को समझ के बार बार जो दौड़ते हैं हम, ये हमारा अहंकार का जड़ है। तो यू हैव टू सी वेदर वी कैन ट्रांसेंड दिस इग्नोरेंस। और जब तक ये रहेगा तब तक हम अपने को शरीर समझेंगे एवं शरीर का धर्म, मेरा धर्म पालन कर लेंगे। अगर शरीर हम मान लिया तो शरीर में एक लिंग होता है, सेक्स होता है, देन आफ्टर एडमिट आई एम मेल और ए फीमेल विच आई एम नॉट। स्वामी जी कहते हैं, हमारा शास्त्र कहते हैं, सोल हैज नो सेक्स। आत्मा का कोई लिंग नहीं रहता है, आत्मा लिंगातीत है। अगर हम अपने को एक आत्मा समझते हैं जो कि उचित है, सबको अपना स्वरूप विस्मृति हो गया, तो तब हमारे जो प्रधान बंधन है उससे हम मुक्त हो सकेंगे। और भी बंधन है, एक एक करके हम सबको चर्चा करेंगे और देखेंगे अगर हमारा मन मानसिक रूप से ही धीरे धीरे बंधन छोड़ के आते हैं, तब यहाँ पर स्थिति आदरणीय होगा। इसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे, पर ये सूक्ष्म विस्तार होना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारे लक्ष्य पर पहुंच सकें। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, मधुवार कहलाता है। आज काली कीर्तन है, समवेत काली कीर्तन। आप लोग सब हार्दिक शामिल है और ज़रूर अंश लीजिए। काली कीर्तन का लिपि दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।